1.2 from chapter 1 rational number. Okay, and the very first topic, it is the introduction video, right? And the very first topic which we are going to discuss is representation of rational number on number line. Basically, a 1.2 mein do topic study karenge. This is the first topic, and second is the rational number between two rational numbers. So सबसे पहले हम ये start कर देते हैं the representation of rational number on the number line. देखिए इसको समझने से पहले मैं यहाँ पे चार example लिख रही हूँ, ठीक है? पहले हम वो example देखते हैं क्या difference है, फिर हम इस topic को study करते हैं, ठीक है? So the four examples are 1 by 2, minus 3 by 4, 5 by 4, and minus 3 upon 2. These are the four examples of rational number, right? Now, you can see here, first two examples and last two examples different hai. Kya difference hai? Dekhiye dhyan se. फर्स्ट टू एग्जाम्पल में न्यूमरेटर छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. दोनों एग्जाम्पल में आप चेक कर लीजिए, न्यूमरेटर छोटा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, बट लास्ट टू एग्जाम्पल में न्यूमरेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. ठीक है, मैंने जिसका न्यूमरेटर छोटा है उसमें दो केस लिए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. सेम जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसमें भी दो केस लिए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा है कि क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर और वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन वन. और यहाँ पे इम्प्रॉपर आपने स्टडी किया है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है. ठीक है, नाउ फर्स्ट टू एग्जाम्पल. ठीक है, फर्स्ट टू एग्जाम्पल दोनों ही किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन को. प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों एग्जाम्पल्स प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक प्रॉपर में पॉजिटिव है, दूसरा प्रॉपर में नेगेटिव है. सेम यहाँ पे देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ भी इम्प्रॉपर में एक पॉजिटिव नंबर लिया मैंने और एक नेगेटिव नंबर लिया. मैं पॉजिटिव नंबर को एक साथ ले लेती हूँ और नेगेटिव नंबर्स को एक साथ. तो एग्जाम्पल हमारा बन गया फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर एंड हियर आई एम टेकिंग नेगेटिव नंबर्स, राइट? सो पॉजिटिव नंबर कौन कौन से है, 1/2 एंड 5/4, और नेगेटिव कौन कौन से है, -3/4 एंड -3/2. ठीक है, दिस इज प्रॉपर पॉजिटिव, इम्प्रॉपर पॉजिटिव, प्रॉपर नेगेटिव, इम्प्रॉपर नेगेटिव, राइट? चारों को रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बट आपको ध्यान जो बातें रखनी है वो मैं आज जॉट डाउन कर रही हूँ. आप उनको फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे. तो फॉर पॉजिटिव नंबर, पहले हम पॉजिटिव नंबर की बात कर लेते हैं. वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है दोनों, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों, पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज क्या होते हैं, राइट साइड ऑफ जीरो होते हैं, राइट? फर्स्ट थिंग, राइट साइड ऑफ जीरो, मतलब इन्हें आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, राइट साइड ऑफ जीरो. यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव हैं, तो ये कहाँ रिप्रेजेंट होंगे, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड ऑफ जीरो. सो हियर लेफ्ट साइड ऑफ जीरो. ठीक है, फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव नंबर राइट साइड ऑफ जीरो, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड ऑफ जीरो. सेकेंड थिंग जो आपको मेंशन करनी है वो ये है, डिवाइड नंबर लाइन, डिवाइड नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू, डिवाइड नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड मेंशन न्यूमरेटर, एंड मेंशन न्यूमरेटर. सेम ये स्टेप आपको नेगेटिव के लिए भी फॉलो करना है, डिवाइड नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर एंड मेंशन न्यूमरेटर. ठीक है, राइट? अब हमने आपके सिर्फ दो स्टेप्स लिखे हैं चारों नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए. फर्स्ट थिंग तो आपको ध्यान रहेगा पॉजिटिव नंबर राइट साइड ऑफ जीरो, नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड ऑफ जीरो. सेकेंड थिंग हमें जो ध्यान रखनी है वो क्या है, कि हमें नंबर लाइन को अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर डिवाइड करना है. जैसे इस फर्स्ट एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर कितना है, 2 है, तो मैं नंबर लाइन के हर एक सेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी. अब सेक्शन से मेरा मतलब क्या है, कि जैसे 0 से 1 के बीच का एक सेक्शन हो गया तो उसको मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी. इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल में देखिए डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, तो मैं 0 से 1 के सेक्शन को कितने में डिवाइड करूंगी, बताइए,
फोर सेक्शन में डिवाइड करूंगी अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे फोर सेक्शन में डिवाइड होगा और यहाँ पे अगेन टू सेक्शन में डिवाइड होगा, तो लेट्स रिप्रेजेंट ऑल फोर वन बाय वन, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 1/2, ठीक है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है, गिवन वी अपनी नंबर लाइन, चूंकि राइट साइड ऑफ जीरो होगा तो पहले हम जीरो लिख लेते हैं और इसके बाद क्या आएगा वन एंड देन टू, लेफ्ट साइड में हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पढ़ा राइट साइड ऑफ जीरो ये नंबर एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो नाउ व्हाट इज द डिनोमिनेटर, टू, सो डिवाइड ईच सेक्शन ऑफ नंबर लाइन इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जैसे ये एक सेक्शन है जीरो से वन के बीच का, इसको हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने का तरीका देखिए, कभी भी आपको जीरो से काउंटिंग शुरू नहीं करनी, कैसे डिवाइड करना है वन एंड देन टू, ठीक है। दिस इज वन एंड देन टू, आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज वन पार्ट, दिस इज टू पार्ट, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, राइट। नाउ मेंशन न्यूमरेटर, अब हमारा न्यूमरेटर कितना है वन है, तो हम वन को कैसे मेंशन करेंगे, देखिए ये कितना है जीरो, इसके आगे चलेंगे तो क्या आएगा वन। अब आप कहेंगे वन तो ये है, बट ये वन क्या है, ये इसका हाफ पार्ट है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे इसको जीरो लिखा मैंने, आगे क्या है वन बाय टू, ठीक है। इसे आप क्या लिखेंगे वन बाय टू, ये कितना होगा टू बाय टू, ठीक है। अब वन से टू को भी आपको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर कितना है टू, तो अगेन दिस वन दिस इज टू, तो आपका ये क्या हो गया था टू बाय टू, आगे चलेंगे तो क्या आएगा थ्री बाय टू, आगे चलेंगे तो क्या आएगा फोर बाय टू। सो इन दिस वे यू कैन डिवाइड योर नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। सो हमसे पूछा गया जा रहा था वन बाय टू को रिप्रेजेंट करना है, तो आप एरो लगा के लिखेंगे दिस इज आवर वन बाय टू ऑन द नंबर लाइन, इज इट क्लियर, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट केस, दैट इज द फाइव बाय फोर। Now I'm going to dust this 5 by 4. Now example number 2, and we need to represent 5 by 4 on number lines. Okay? So first, again, ये कितना number है? Positive number है. तो right side of 0 होगा. So here 0, 1, 2. ठीक है? Now 5 by 4. ठीक है 5 by 4, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे, 4 डिनोमिनेटर है तो 4 इक्वल सेक्शन, 0 से 1 का एक सेक्शन है तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो लेट्स डिवाइड दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। आप यहाँ देखिए दिस इज 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगेन 1 से 2 के बीच के सेक्शन को भी आप 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। नाउ ये आपका डिवीजन हो गया। नाउ मेंशन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना है 5 है। अभी आप यहाँ से देखिए 0, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/4, जो भी डिनोमिनेटर आप यहाँ लिख दीजिए, दिस इज 1/4, दिस इज 2/4, दिस इज 3/4, दिस इज 4/4, तभी तो ये 1 होगा, ठीक है। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 4/4 मतलब 1 तैयार है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 5/4, नेक्स्ट 6/4, नेक्स्ट 7/4, नेक्स्ट 8/4, दैट इज 2, तो हम सही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। नाउ हमसे पूछा क्या जा रहा है 5/4, तो 5/4 हमें यहाँ मिल चुका है, तो आप एरो लगा के इसको हाईलाइट कर देंगे, दिस इज 5/4 ऑन द नंबर लाइन, क्लियर। नाउ let's discuss third example, what we have taken that is our -3/4. अब चूंकि एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर के लिए मैंने आपको लिखवाया था कि नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम जो नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन तो सेम ही रहेगी, ठीक है, बट जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, जीरो के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे जीरो, अब हमें राइट सेक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, हम कहाँ आएंगे लेफ्ट सेक्शन पे आएंगे, 0, here -1, here -2, रिप्रेजेंट क्या करना है -3/4, सेम स्टेप्स मैंने आपको लिखवाया था, डिवाइड नंबर लाइन एवरी सेक्शन ऑफ नंबर लाइन अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे
4 है, तो हम क्या करेंगे, 0 से माइनस 1 के सेक्शन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, माइनस 1 से माइनस 2 के सेक्शन को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप फर्दर लिख रहे हैं माइनस 3 माइनस 4, तो आप हर एक सेक्शन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। जब तक हमें हमारा नंबर नहीं मिल जाता तब तक हमें डिविजन करते रहना है, राइट। सो 4 हियर 1 2 3 एंड 4, अगेन 1 2 3 एंड 4, तो मैंने 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। Let's count it. Here is 0. Now what is this? This is minus 1. So yahan main likhungi minus 1 upon 4. What is that? Minus 2 upon 4. This is minus 3 upon 4. This is minus 4 upon 4. Tabhi to minus 1 aayega, to hamara representation correct hai. Now ab dekhiye kya mujhe minus 3 by 4 mil chuka hai? Yes, to mujhe aage move karne ki zarurat hi nahi hai. To yahan pe aap arrow mark karke ise हाईलाइट कर देंगे। दिस इज माइनस 3/4 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल हमने क्या लिखा था? लास्ट एग्जांपल वाज आवर -3/2। एग्जांपल नंबर 4 -3/2, लेट्स रिप्रेजेंट दिस अगेन नंबर लाइन 0 -1 -2। चूंकि यहां पे माइनस का नंबर है, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे नंबर लाइन की, ठीक है। सो 0 माइनस 1 माइनस 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, तो हम हर सेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, हियर इज 1, हियर इज 2, ठीक है। नाउ माइनस 1 से माइनस 2 के सेक्शन को भी 1 एंड दिस इज 2, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। न्यूमिनेटर कितना है? -3, तो मुझे -3 तक जाना है। देखिए आप यहाँ पे 0, दिस इज -1/2, दिस इज हम ऊपर लिख लेते हैं -1/2, -2/2, -3/2। क्या हमें -3/2 मिल चुका है? यस, आप देख लीजिए 0 1 2 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा थर्ड वाला -3/2। तो आप यहाँ पे एरो लगा के इस नंबर को हाईलाइट करके दिखाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, अवर सेकंड पार्ट, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। आपको कोई भी दो रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा फाइंड 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन दीज टू, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दीज टू, फाइंड टोटल रैशनल नंबर इन बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल इंटीजर और नेचुरल नंबर के बारे में बताती हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5 और 7 के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 5 और 7 के बीच में केवल एक इंटीजर होता है, दैट इज 6। अगर मैंने आपसे कहा -1 और 3 के बीच में कितने होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 0 1 2, 3 नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो देर इज अ डेफिनेट नंबर इन बिटवीन दीज नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, ठीक है। बट रैशनल नंबर देर इज अ काउंटलेस नंबर इन बिटवीन द टू रैशनल नंबर, हाउ वी विल सी दिस, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट मी टेल यू, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन टू केसेस। फर्स्ट केस व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम, सेकंड केस व्हेन द डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट केस, केस नंबर 1, इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, इफ डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, ठीक है। हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है क्योंकि बीच के रैशनल नंबर्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो लेट्स टेक इट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा फॉर द न्यूमरेटर, जस्ट चेक द न्यूमरेटर, चेक द न्यूमरेटर, चेक द न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें केवल न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर कितना है बेटा? 1, और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना दूसरे नंबर का? 4। अब हमें पता है 1 to 4 के बीच में, 1 to 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं? 2 and 3। 1 to 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं? 2 and 3। अब हम यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर मेंशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2/5 and 3/5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो केवल दो रेशनल नंबर आ रहे हैं। बट हमसे पूछ क्या रहा है? 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो इज इट पॉसिबल? ठीक है, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है।
थ्री ही नहीं, आप जितने मन चाहे उतने रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स डू इट। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम जस्ट न्यूमरेटर को चेक करते हैं, जैसे यहाँ वन है और यहाँ फोर है। अब वन और फोर के बीच में कितने नंबर है? टू, थ्री। तो यहाँ पे क्या हो गया? टू रेशनल नंबर हो गए। अगर मुझसे यहाँ पे टू रेशनल नंबर पूछा गया होगा तो इट वॉज करेक्ट, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है थ्री रेशनल नंबर। हो सकता है आपसे फाइव पूछता, टेन पूछता, ट्वेंटी पूछता, हंड्रेड पूछता, काउंटलेस नंबर पूछता। तो हम क्या करते उसके लिए, देखिए फिर से इसका सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, वन बाय फाइव एस टेन अपॉन फिफ्टी। क्या हम लिख सकते हैं? यस, मैंने सिंपली क्या किया, टेन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, जीरो से जीरो कैंसिल, तो अगेन क्या आ जाएगा, वन बाई फाइव आ जाएगा। राइट, इन अ सिमिलर वे कैन बी राइट फोर बाई फाइव एस फोर्टी अपॉन फिफ्टी। यस, नाउ हियर यू कैन सी बेटा, नाउ द टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर इन बिटवीन दीज टू आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। देखिए, वन बाई फाइव क्या बन गया, टेन अपॉन फिफ्टी, और फोर बाई फाइव क्या बन गया, फोर्टी अपॉन फिफ्टी। अब हमें नंबर्स किसके बीच में देखने हैं, टेन बाई फिफ्टी और फोर्टी अपॉन फिफ्टी के बीच में देखने हैं। सो टोटल रैशनल नंबर्स बिटवीन टेन अपॉन फिफ्टी एंड फोर्टी अपॉन फिफ्टी आर, अब आप देख सकते हैं टेन से फोर्टी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो केवल क्या देखेंगे, न्यूमरेटर्स। तो 10 से 40 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 39। ठीक है, 38, 39, और सबका डिनोमिनेटर क्या है, 50। तो लेट्स मेंशन डिनोमिनेटर आल्सो। राइट, तो ये हमारे पास टोटल रेशनल नंबर हो गए इन बिटवीन 10 बाय 50 एंड 40 बाय 50, और यू कैन से 1 बाय 5 एंड 4 बाई फाइव। अगर आपको इससे भी ज़्यादा रैशनल नंबर चाहिए तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने यहाँ 10 अपॉन 50 लिखा है, आप इसको 100 अपॉन 500 लिखिए, और इसे 400 अपॉन 500। अब ये बन गया 100 और ये 400। तो 100 से 400 के बीच में जितने सारे नंबर्स आते हैं वो आपके टोटल रैशनल नंबर हो गए। आपको और इंक्रीज करना है तो इसको क्या लिखिए, 1000 अपॉन 5000, 4000 अपॉन 5000। तो आपके जैसे जैसे आप जीरो बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रैशनल नंबर भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। दैट्स व्हाई वी सेड देयर इज अ काउंटलेस नंबर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट केस। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड केस, इफ डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज आपको दिया गया है फाइंड 10 rational numbers, find 10 rational numbers between minus 5 by 6 and 5 by 8, minus 5 by 6 and 5 by 8। ये दो numbers आपको दिए हैं rational numbers, इनके बीच के total rational numbers आपको find out करने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं minus 5 by 6 एंड 5/8, दोनों का ही डिनोमिनेटर क्या है, अनइक्वल है, सेम नहीं है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक बोथ डिनोमिनेटर्स इक्वल। अब इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा हम एलशियम लेते हैं इक्वल बनाने के लिए, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। Make both denominators equal and then check numerators। ठीक है, जैसे अपने फर्स्ट केस में क्या था, डायरेक्टली न्यूमरेटर चेक किया था क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल था। यहाँ हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे देन न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। राइट, सो डिनोमिनेटर को इक्वल बना दीजिए, हम क्या करेंगे, एलशियम ऑफ 6 and 8, जो कि कितना आएगा सबको पता होगा, एलशियम कैसे लेते हैं, 24। राइट, अब नाउ माइनस 5/6 और ये क्या है हमारा 5/8। अब 6 को मुझे क्या बनाना है, 24, और 8 को भी मुझे क्या बनाना है, 24 बनाना है। तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तभी तो यहाँ पे 24 आएगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। सो इट विल बी माइनस 20/24। ठीक है, नाउ सी दिस हियर 5/8। अब 8 को 24 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर क्या बन गया, 15/24। ठीक है, तो अब माइनस 20/24 एंड 15/24 के बीच के नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। कितने पूछना चाह रहे हैं हमसे,
10 नंबर्स पूछने जा रहा है, ठीक है। सो अब हमें सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर्स को देखना है। न्यूमरेटर्स क्या है हमारे, माइनस 22, 50। न्यूमरेटर्स क्या है, न्यूमरेटर माइनस 22, 50, ठीक है। ये क्या न्यूमरेटर्स, तो इनके बीच के कितने नंबर पॉसिबल हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस 20 से पहले क्या आएगा, माइनस 19, माइनस 18, माइनस 17, डैश 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 माइनस 16, माइनस 15, माइनस 14, 13, अप टू कहाँ तक जाएंगे, 14, यहीं तक आएंगे। अब आप क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को मेंशन कर दीजिए, माइनस 19 अपॉन 20, दिस इज 20, अगेन दिस वन। सो हियर आर द टोटल नंबर्स, दोज आर फाइंड इन बिटवीन दीज टू नंबर। हम कोई से भी 10-10 नंबर्स यहाँ से इनमें से पिक कर लेंगे और हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इज दिस क्लियर, राइट। नाउ इफ यू हैव नॉट वांटेड टू गो टू दिस मेथड फॉर द दिस केस ओनली, अगर आप ये मेथड यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको एक मेथड और दिया गया है कि आप मीन मेथड के थ्रू कैसे दो रेशनल नंबर के बीच के नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मीन मेथड क्या कहता है, सपोज आपको दो नंबर दिए गए हैं, राइट, और आपसे पूछ रहा है इसके बीच का नंबर बताओ, तो आप क्या करो, सिंपली उन दोनों नंबर का मीन कैलकुलेट कर लो। अब मीन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो दो नंबर ए और बी हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी अपॉन टू क्या इंडिकेट करेगा, उसका मीन को इंडिकेट करेगा, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल, राइट। जैसे एग्जाम्पल में भी आपसे पूछा गया, फाइंड रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/2, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/2। इन दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए, इन दोनों का मीन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। लेट्स देखिए, मीन ऑफ 1/4 and 1/2 क्या होगा, 1/4 plus 1/2 upon 2। जैसे ए और बी दो नंबर, तो मीन क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू, यहाँ पे ए भी क्या है, रेशनल नंबर, तो ए प्लस बी अपॉन टू, तो मीन कैलकुलेट हो जाएगा। लेट्स सॉल्व इट, 4 और 2 का रेशियो क्या आएगा, 4, नीचे आपका 2 है ही, तो 4 बन गया 4 प्लस 2 2 4, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या बना 3/4/2। इसे वैसे लिख सकते हैं 3/4 × 1/2, दैट इज 3/8। तो 3/8 आपका एक नंबर आ गया जो कि 1/4 और 1/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। लेट्स रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट दिस 3/8 ऑन द नंबर लाइन। सो 1/4 और 1/2 के बीच का नंबर अपने पास आ गया 3/8। लेट्स सपोज आपसे और नंबर पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच के और नंबर फाइंड आउट कीजिए। अभी हमने एक ही नंबर फाइंड आउट किया, दैट इज 3/8, तो हम क्या करेंगे, बार बार मीन लेते जाएंगे, जैसे 3/8 कैलकुलेट हो गया। आप क्या करो, 1/4 और 3/8 का मीन ले लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1/4 and 3/8 का मीन ले लेते हैं, तो हमें 1/4 और 3/8 के बीच में एक नंबर मिल जाएगा, दैट विल बी 5/16, राइट। सेम वे में आप 3/8 और 1/2 का मीन ले लीजिए, आपको एक और नंबर मिल जाएगा, दैट इज 7/16। अब आप देख सकते हैं 1/4 और 1/2 के बीच में हमने 3 नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं, 5/16, 3/8, 7/16। तो आपसे अगर 3 पूछ रहे हैं तो ऐसे कर दीजिए, 5 नंबर्स पूछ रहे हैं तो आप फिर से इन दोनों के बीच का मीन ले लीजिए, फिर इन दोनों का मीन ले लीजिए, फिर इन दोनों का, एंड देन लास्ट का। तो जितने नंबर्स आपको चाहिए उतनी बार आप मीन कैलकुलेट करते जाइए, आपका सॉल्यूशन होता चला जाएगा, राइट। सो दिस इज ओवर नाउ, नेक्स्ट विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।